धन भौतिक सुख का आधार है और कुबेर को धन का देवता माना गया है। उन्हें उत्तर दिशा का दिक्पाल माना गया है। हिंदू धर्म में देवी, देवता, दिक्पाल, लोकपाल तथा यक्षों के प्रतीक रत्न, धातु, रंग तथा वृक्ष होते हैं। कुबेराक्षी को लोकमत तथा जनश्रुति में कुबेर का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म शास्त्र में लक्ष्मी को धन की देवी तथा कुबेर को धन का रक्षक कहा गया है। कुबेर महर्षि विश्रवा के पुत्र तथा रावण के बड़े भाई थे। उन्हें यक्ष, दिक्पाल तथा लोकपाल माना गया है, लेकिन देवता नहीं माना गया। इसीलिए आम लोगों द्वारा उनके प्रतीक पौधे कुबेराक्षी के पूजा का प्रचलन लोकप्रिय नहीं है। उसके बाद भी कुबेराक्षी को अत्यंत चमत्कारी, पवित्र, वास्तु दोष दूर करने वाला तथा कुबेर को प्रसन्न करने वाला माना गया है। काफ़ी मेहनत, लगन तथा अनुशासन से काम करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो ये पौधा लगा कर देखिए, हो सकता है समस्या हल हो जाए। ऐसा माना जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे तथा चोरी करने के लिए वे एक शिव मंदिर में गए, जहाँ काफ़ी स्वर्ण तथा रत्न रखा हुआ था। धन समेटने के लिए उन्होंने दिया जलाया, जो कई बार हवा से बुझ गया तथा उसे वे हर बार जलाते गए। शिव ने समझा कि ये कोई भक्त है तथा प्रसन्न होकर उन्हें धन का स्वामी बना दिया। अगले जन्म में वे महर्षि विश्रवा के पुत्र बने। महर्षि भगवान शिव के पुरोहित थे। भगवान शंकर ने पार्वती के अनुरोध पर सोने की लंका बनवाई तथा उसके गृह प्रवेश के पूजा की दक्षिणा में विश्रवा ने यह नगर मांग लिया। भगवान शंकर से यह नगर प्राप्त कर महर्षि ने कुबेर को यहाँ का राजा बना दिया, जिसे रावण ने मारकर भगा दिया तथा नगर पर कब्जा कर लिया। निराश होकर कुबेर ने शिव की आराधना की तथा शिव ने प्रसन्न होकर उसे देवताओं के धन का रक्षक बना दिया। कुबेर को प्रसन्न करने के लिए एक इस पौधे को घर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर उत्तर पूर्व दिशा में लगानी चाहिए। अगर घर पूर्व दिशा में न हो तो पौधे को उत्तर दिशा में लगाएं। पर्पल कलर को धन का प्रतीक माना गया है, अतः कुबेराक्षी के पौधे को पर्पल कलर के पॉट में लगाएं। यदि मिट्टी का गमला है तो इसे पर्पल कलर से रंग दें। इस पौधे को विशेष खाद पानी की आवश्यकता नहीं होती, अतः 8 से 10 दिन पर पानी दें। इस पौधे की उत्पत्ति हिमालय पर हुई है, अतः इसे सूखी तथा रेतीली मिट्टी दें। बाहरी लोगों को इसे छूने न दें। आपके समय और स्थिति के आधार पर इसका रंग तथा विकास होता है। अच्छा समय होने पर इसकी पत्तियां चमकीली तथा इनका अगला सिरा पर्पल हो जाता है। यदि पत्ती बीजान और बीमार दिखे तो इसे धूप दिखाएं, विशेष छेड़छाड़ न करें। पौधा मर जाए तो इसे गमले से हटाकर नदी में विसर्जित करें तथा गमला को शुद्ध कर नया पौधा तुरंत लगा दें। दोस्तों, इस कड़ी में हमने आपसे कुबेराक्षी के धार्मिक पहलू पर चर्चा की। अगली कड़ी में हम इसे लगाने, इसकी मिट्टी तथा अन्य चमत्कारी लाभ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।